मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, संदीप रेड्डी वांगा का जानवर तबाही मचा रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं भाई, ओवरसीज में भी, वर्ल्ड वाइड में जो कलेक्शन आती दिखी है भाई साहब, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी 100 करोड़ टच करके जाएगी या फाड़ के जाएगी। बाय गॉड, देखकर लग रहा था, अर्ली जो रुझान आ रहे थे उसको देखकर लग रहा था कि लगभग में लगभग 80 करोड़ या 90 करोड़ के आसपास ये मूवी ठह जाएगी। लेकिन भाई, जब एक फाइनेस्ट डायरेक्टर के हाथ जब एक जबरदस्त एक्टर आता है ना, जब उसको शार्प करता है, उसके बाद जो स्टोरी लाइन का कॉम्बो देखने को मिलता है, जब सारी चीज़ें एक एक करके सेट होती है ना, वो एनिमल मूवी बनती है, वो एनिमल मूवी जैसा सिनेमा बनता है जो कल हमने देखा। और डे वन पर जो फाड़ा है, तबाही मचा दी है। सभी चीज़ों पर बात करेंगे, कैसा क्या है सिनेरियो, मूवी को कैसे रिव्यू मिल रहे हैं, उसके बाद कल क्या ही ऑक्यूपेंसी रही है, कितना एडवांस कलेक्शन आज हुआ है, कितनी कलेक्शन इसने कल करी है, ओवरसीज से, नेट इंडिया से, वर्ल्ड वाइड, सब कुछ एक एक करके डिटेल टू डिटेल चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। सब हिंदी ऑक्यूपेंसी अगर मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको मूवी रिव्यू बताऊं, पॉजिटिव रिव्यू आए हैं सभी ने, क्रिटिक्स ने, सभी ने मिलके इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यू ही दिए हैं, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ने छोटी सी गलती, छोटी सी लूप होल भी नहीं छोड़ा किसी को कमियां निकालने के लिए। भाई जो कमी शुरू में निकाल रहे थे, उन लोगों ने भी इस मूवी की तारीफ करी है। रणबीर कपूर से जितना हो सकता था उसने फुल एफर्ट मार के न कि सिर्फ अपने बाप का दिल जीतने में सफल हुआ, जनता का दिल जीतने में भी रणबीर कपूर सफल हुआ है। बाय गॉड, ये सुपरस्टार चमक गया है और ये वाकई में सुपरस्टार की लिस्ट में आ चुका है। फाइनेस्ट फाइनेस्ट एक्टर जिसने धमाका मचाया है। एनिमल जो नाम है भाई, पूरा जानवर बन के आया है। सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा नहीं, इसके एक्टर बॉबी देओल का कॉम्बो, विलेन में म्यूट थे बॉबी देओल, डायलॉग वगैरह कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन से ही फाड़ के रख दिया। जबरदस्त विलेन ऑक्यूपेंसी बताऊं तो हिंदी से ऑक्यूपेंसी जबरदस्त रही है। मॉर्निंग 45, आफ्टरनून 55, कल फुल डे, मतलब जबरदस्त ऑक्यूपेंसी रही है। इवनिंग टू नाइट में 65% की ऑक्यूपेंसी रही है और तमिल में ओवरऑल 55% टू 58-60% की ऑक्यूपेंसी तेलुगु लैंग्वेज से रही है। देन उसके बाद तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, आईमैक्स से भी ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी रही है। एडवांस से ही कल इस मूवी ने 34 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। वही सब कल मूवी कमाई करते कितनी नजर आई है, सिर्फ हिंदी से डे वन पर ये मूवी लगभग में लगभग 50 से 51 करोड़ अपने खाते में रखती नजर आ रही है, जो कि सॉलिड सॉलिड ओपनिंग है भाई। पठान के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया बहुत ही बुरी तरीके से, क्योंकि पठान का शायद डे वन का नेट इंडियन कलेक्शन 54 करोड़ था, जवान के कलेक्शन को नहीं कर पाई है बीट डाउन। अभी वैसे भी रिपोर्ट फ्लेक्सिबल है, आज जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तो हु नोज, स्लाइटली टच कर जाए जवान के डे वन के ओपनिंग रिकॉर्ड को, लेकिन पठान के रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया है इस मूवी ने। नेट इंडिया में लगभग ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड हिंदी, आईमैक्स को मिलाकर इस मूवी ने 60 करोड़ टच किया है, जिसमें से मेजर पार्ट हिंदी का ही रहेगा। हिंदी से बहुत बहुत सॉलिड कलेक्शन देखने को मिला है। ओवरसीज से भी धमाका मचाया है, लेकिन उससे पहले ग्रॉस कलेक्शन 73-74 करोड़ आता नजर आ रहा है। ओवरसीज से इजी टू इजी 35-37 करोड़ के आंकड़े में ये मूवी टचअप कर रही है और जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिला है। उसके बाद पूरी दुनिया से ओवरसीज देन क्रॉस कलेक्शन को मिलाकर बनता है लगभग में लगभग 108-110 करोड़। फ्लेक्सिबल है रिपोर्ट, लेकिन भाई साहब 110 करोड़ ठोक के मारेगी, जबरदस्त ठोक के मारेगी ये मूवी, एंड 100 करोड़ तो ईजिली इसके खाते में है ही है। सॉलिड एंड जबरदस्त ओपनिंग है। जानवरों वाली जो तबाही इन्होंने थिएटर्स में कल मचाई है, वही कलेक्शन, वही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन्हें कल डे वन अपने ओपनिंग में देखने को मिला है। वैसा कल तो जैसा रहा तैसा रहा, आज सेकंड डे क्या है भैया, सैटरडे है, आज हॉलीडे है, वीकेंड ऑफ रहता है बहुत सी जगह पर, तो आज जबरदस्त तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि कल पॉजिटिव रिव्यू आए हैं मूवी के, हर जगह से पॉजिटिव रिव्यू आए हैं। तो भाई जो लोग कल कतरा रहे थे, जिनके पास लिमिटेड बजट होता है कुछ एक अच्छी मूवीज में खर्च करने के लिए, वो रिव्यू देखने के बाद जाते हैं, और आज सैटरडे है, वीकेंड है, ऑफ है, तो भाई आज जैसा मौका कहाँ मिलने वाला है, इसलिए आज जबरदस्त उछाल देखने को मिली, आज कल से भी भयंकर तबाही देखने को मिली है। देन कल संडे है, संडे को और भी ज़्यादा तबाही देखने को मिलेगी। तो आज डे टू में ही एडवांस बुकिंग में जो तबाही देखने को मिली है
भाई बहुत सॉलिड, ऐसी एडवांस बुकिंग शायद नहीं देखी होगी इस साल, वो भी एंड ऑफ द ईयर है, इस साल की शुरुआत में ही हमें ब्लॉकबस्टर मूवीज मिली है। रन टाइम मतलब जो भी पूरे ये साल खत्म हुआ है, बीच में, स्टार्टिंग में, मिड ऑफ ईयर, हर जगह हमें कोई ना कोई ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को मिली है। चाहे आप पठान ले लो, चाहे आप जवान ले लो, देन साउथ में अगर आप चले जाओ तो लियो ले लो, टाइगर 3 ले लो, उसके बाद सभी दमदार मूवी आई हैं, फुकरे 3 वगैरह वगैरह जो भी आई हैं अच्छा खासा कलेक्शन करके गई हैं। बावजूद इसके एंड ऑफ द ईयर एनिमल 1 दिसंबर को फाड़ रहा है, तो सेकेंड डे में ही 29 करोड़ की सिर्फ एडवांस बुकिंग ले ली है मूवी ने, जिसमें से इन्होंने 10,67,000 टिकट सोल्ड आउट करे हैं आज के लिए एडवांस से ही, और 100 आज इंक्रीज हुए हैं, लगभग में लगभग 100 जिनके खाते में आज के लिए है 17,145, और जिसमें से मेजर पार्ट सिर्फ हिंदी से आया है, लगभग में लगभग 25,34,00,000 के आसपास सिर्फ हिंदी से एडवांस बुकिंग आया है। देन उसके बाद तेलुगु से, भाई तेलुगु लैंग्वेज से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तेलुगु रीजन से आया है 2.55 करोड़, मतलब 2,55,00,000 के आसपास सिर्फ तेलुगु से आया है। उसके बाद बाकी तमिल, कन्नड़ा एंड मलयालम, हिंदी, आईमैक्स, इन सबको मिलाकर लगभग में लगभग 1,05,00,000-10,00,000 के आसपास यहाँ से एडवांस बुकिंग देखने को मिली। देन उसके बाद जो आज ऑन द स्पॉट बुकिंग होगी, जो पब्लिक सीधे थिएटर में जाके बुक करेगी, उसका अलग है भाई, वो सारा सिनेरियो चेंज कर देते हैं। लेकिन इसके हिसाब से जो प्रिडिक्शन सेट हो रही है, इसके हिसाब से जो एडवांस बुकिंग के हिसाब से अभी की 29 करोड़ के हिसाब से जो आंकड़ा सेट हो रहा है, आज नेट इंडिया से एंड ऑफ द डे तक ये मूवी 65 करोड़ टच करने वाली है, ईजिली 65 करोड़ टच करने वाली है, जिसमें सिर्फ हिंदी का मेजर पार्ट रहने वाला है, लगभग में लगभग 53 से 54, मे बी 55 करोड़ टच कर जाए, ग्रॉस कलेक्शन 78 करोड़ हो सकता है, ओवरसीज से ये लगभग में लगभग आज 32 से 35 करोड़, मे बी 37 करोड़ भी टच कर जाए, बट 35 करोड़ लास्ट होगा, 32 से 35 करोड़ कहीं पर भी ये मूवी एग्जिस्ट कर जाएगी आज ओवरसीज से। देन उसके बाद पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आज सेकंड डे पर हमें देखने को मिलेगा 110 से 112 करोड़, मे बी 115 करोड़ भी टच कर जाए, मिनिमम अर्ली एस्टिमेट 110 करोड़ 112 करोड़ होता है। लेकिन जो पब्लिक वॉकिंग ऑडियंस होती है वो भाई पूरा सिनेरियो चेंज कर देते हैं, अगर वो लोग जाएंगे वहाँ देखेंगे मूवी, देन उसके बाद ये मूवी आज शायद 120 करोड़ भी क्रॉस कर जाए, हुनो ही दिन में ये मूवी 200 करोड़ के क्लब में इजी एंट्री मारते नजर आ रही है। वैसे भी ये मूवी क्या 1,000 करोड़ टच कर जाएगी शुरुआत, फर्स्ट वीक, पहले वीक 8 से 10 दिन अगर ये मूवी ठोक के कमाई करके इजिली 1,000 करोड़ टच कर जाएगी। आप लोग भी क्या रहे हैं, क्या ये मूवी 1,000 करोड़ टच करेगी या 600, 700, 800 कहीं पर भी जाकर ये एग्जिस्ट करेगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।